जब मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा या क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आखिर में पूछ लीजिएगा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم غمغين نہیں کرے گی انہیں الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ فز کہتے ہیں گھبراہٹ کو اکبر اس کی صفت ہے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کرے گی وتتلقاهم اور ملیں گے ان سے فرشتے या इनका दूसरा माना हाथों हाथ लेंगे उन्हें फरिश्ते तलक्की का माना होता है मिलना कबूल करना मिलना तो हाथों हाथ लेंगे उन्हें फरिश्ते या मिलेंगे उनसे फरिश्ते और कहेंगे हादा यौमुकुम ये तुम्हारा दिन है अल्लज़ी कुंतुम तुवादून जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया था इसमें जो जो फजल अकबर इसके बारे में मुतादद अकवाल है इस फजल अकबर से क्या मुराद है एक कौल यह है इससे मुराद इसराफील का सूर फूंकना यह है फजल अकबर दूसरा कॉल यह है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे उस वक्त मौत को जबा किया जाना यह फजल अकबर है क्योंकि उस वक्त मतलब यह होगा कि अब निकलने का कोई चांस नहीं है जहन्नम से खत्म। आयत नंबर है 103 हिसाबो किताब जब दिया जा रहा होगा सुगदान हदीस में आता है दूसरी जगह आयत में या लैतनी लम उता किताबिया। अच्छा अगर आयत का सियाक देखें तो यह लग रहा है कि यह दूसरा माना ही ज्यादा अकरब इल सवाब है कि ये फजल अकबर यहां जो जिक्र है इससे मुराद वो है जब उस मौत को दबा किया जा रहा होगा यौम नत्वी समा याद कीजिए उस दिन को जब हम लपेटेंगे आसमान को का तो ये जिस तरह लपेटता है असिजिल लपेटा जाता है जिस तरह असिजिल रजिस्टर लिल कुतुब वो जिसमें लिखा जाता है अल मक्तूब अलैहि लिल कुतुब असल है अल मक्तूब अलैहि कुतुब जो है मजदर है कतब यक्तुब किताबन व कुतुबन ठीक है तो ये मजदर है और मजदर मक्तूब अलैहि के माना में है मक्तूब अलैहि इसको औराक भी कहते हैं मक्तूब अलैहि क्या होता है जिस पर कुछ लिखा जाता है वो क्या होता है औराक कागज
तो हम आसमान को लपेटेंगे जिस तरह रजिस्टर के औराक को लपेटा जाता है, जिस तरह लिखने वाला। अच्छा, इसके दो मतलब हैं जी, बिल्कुल। वो होता था, अभी भी शीटें मिलती है ना जिसको हम फोल्ड कर लेते हैं लिखने के बाद, और बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह हम आसमान को भी बड़ी आसानी के साथ फोल्ड कर लेंगे, लपेट लेंगे। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमानों को लपेट कर अपने दाहिने हाथ में ले लेगा, दाहिने हाथ में ले लेगा। सातों आसमान सातों जमीनें अल्लाह अपने दाहिने हाथ में लेकर फरमाएगा लिमन अल मुल्कुल यौम, बताओ आज बादशाहत किसकी है? तो कोई जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। यही वजह है कि सूरतुल फातिहा में मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ने कहा है, वही पे दार्किंग इसके करनस में आने मौजे वहाँ पस था अपने अंदर मजबूरी। अल्लाह के वो जमीन का मालिक भी है, क्यों, क्या वजह है? जमीन का मालिक भी है लेकिन अल्लाह ने सिर्फ आसमान क्यों कहा, बताएं क्यों कहा जी? नहीं, दो वजह है। एक तो दुनिया की हकारत इतनी है कि इसको मिल्कियत कहना ही शान के खिलाफ है। दो, दूसरी वजह यह कि यहां सारे दावेदार हैं, ये मेरा मुल्क, ये मेरा शहर, ये मेरी जमीन, ये मेरा मकान, लेकिन आखरत के बारे में मिल्कियत का दावेदार कोई नहीं होगा। और ये आरजी चीज है, फना होने वाली, जिस चीज में फना हो उसका मिल जाना कोई कोई बात नहीं है, जिस चीज में बका हो उसको मिल्कियत कहना ये आपकी शान है। इसलिए हम कहते हैं दुनिया की जिंदगी जिंदगी थोड़ी है, दुनिया की जिंदगी जिंदगी थोड़ी है, इसलिए कि ये जिंदगी फना होने वाली है। हयात तय्यबा अल्लाह ने आखिरत की जिंदगी को कहा है क्योंकि उसमें फना नहीं है, उसमें फना नहीं है। जी जी साहब, जाहिर है कि जब आसमान की बात हुई तो हदीस में खुद सराहत मौजूद है ना, सिर्फ आसमान ही नहीं, वो तो आयत में दूसरी जगह मौजूद है, शम्स को विरत और पूरी वजाहत मौजूद है सारी। ती है प्लीज रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता था किस तरह हो जाता है। ठीक है जी 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 निस्बत, एक तो ये मेरे और आपके लिए कि जब इस कदर पावरफुल मखलूक अल्लाह की, इतनी बड़ी वसी ताहद निगाह जिसकी वसत है, अल्लाह एक ही लम्हे में आसानी के साथ उसको लपेट लेगा, तो निजाम जिंदगी निजाम दुनिया खत्म, एक ऐसा वक्त आएगा। दूसरी बात अल्लाह ने एक और कही और वो बात ये, कमा बदअना अव्वल खल्किन उईदु, जिस तरह हमने इब्तिदाअन पैदा किया था उसी तरह हम दोबारा लुटाएंगे, जिस तरह हमने इब्तिदा की थी तखलीक की उसी तरह हम तखलीक दोबारा करेंगे। जिस तरह, इसके दो मतलब हैं, इसके भी दो मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि हमने इंसान को कैसे पैदा किया था, तनहा बेलिबास गैर मख्तून, खतरा नहीं था। जब उठाएंगे तो उठेगा भी तनहा बेलिबास गैर मख्तून। दूसरे माने जिस तरह हमने आसानी के साथ इसको पैदा कर दिया था, आसानी के साथ दोबारा जिंदा कर लेंगे इसको, आसानी के साथ, हमारे कोई मुश्किल नहीं। जो मुनकरीन है ना, मुनकरीन बास बादल मौत, उनको कहा जा रहा है हमने पैदा भी तो किया था ना, और बगैर किसी नक्शे के पैदा किया और बड़ी आसानी से। और ये तो तुम्हारे यहां भी उसूल है कि जब पहली दफा चीज बना लेते हो तुम्हारे यहां दूसरी दफा चीज बनाना आसान हो जाती है। हमारे लिए पहली दफा ही आसान थी तो दूसरी दफा तो बिलौला ही आसान है। जी, अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के इल्म, अल्लाह की कुदरत में, उसके इल्म में। वादन अलैना, ये हम पर हक है,
हम पर हक है, यानी हम इस बात को करने के हवाले से तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि ये हमारा वादा है तुम्हारे साथ, इन्ना कुन्ना फाइलीन, हम ये कर रहेंगे, हम ये करने ही वाले हैं, बेशक हम ये करने वाले हैं। ऐसा होगा, तो जब ऐसा होगा तो ऐसा दिन आएगा, उस दिन की तैयारी कीजिए, और तैयारी के लिए आपका इस जिस्म से रूह का खात्मा, सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कब्र में तीन सवाल हम सबको मालूम है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ वो देगा जो उसका आमिल होगा। वरना आज किसी से पूछे मर रब्बुक, तो हजार दफा कहेगा रब्बी अल्लाह, लेकिन उस वक्त उसकी जबान चलेगी सिर्फ उसकी जिसके किरदार ने यह साबित किया होगा। फिर वो कहेगा रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम और नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ वो बताएगा जो मुवाहिद होगा, मुत्तबे सुन्नत होगा और दीन के साथ वफादार होगा। और ये वो शख्स है जिसको एक और हदीस में जिक्र किया गया है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। राजी होना पड़ेगा आपको, दोनों लफ्ज हैं, तो आपको राजी होना पड़ेगा, और राजी का मतलब खुशी के साथ। अगर आप वाहिद हैं तो इस पर खुश हो जाएं, अगर आप अहले सुन्ना हैं, मुत्तबे सुन्नत है, खुश हो जाएं इस पर, और दीन इस्लाम पर कारबंद है तो इस पर खुश हो जाएं। आखिरत में जी बिल्कुल ऐसा ही है, अपने मेल पर। अच्छा देखें, दो इस ये जो दुआ है ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, एक तो है इसके पढ़ने का सवाब अलग है, शरीयत में सुबह 3 दफा, शाम को 3 दफा पढ़ने का सवाब अलग है, फिर अजान के बाद है, लेकिन वो सवाब भी दर हकीकत मुजमर है जब आप इस आयत के मुताबिक या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, जब इस्लाम में पूरे दाखिल होंगे तो इस हदीस पर अमल हो जाएगा आपका, यानी आपका किरदार इस हदीस के मुताबिक हो। अगर कोई बंदा रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिया विर्द करता रहे सारा दिन 1000 दफा, नमाज के लिए ना जाए, अपनी मर्जी से पढ़े, ज़कात ना दे, हज ना करे और शिर्क करता रहे और पढ़े रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल, फिर तो कलमा भी सारी दफा पढ़ ले सारी जिंदगी, इंदल्ला सुरखुरू नहीं होगा। असल चीज है कौल के साथ फेल, इनमें यकसानियत जरूरी है। मरने के बाद खड़ा कर दिया जाएगा, और वहां खड़ा करना इससे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे, और वहां नमाज का अलग सवाल है, हुकूक अल इबाद के अलग सवाल है, लेकिन इनमें 5 सवाल आते ऐसे हैं कि आपका कदम नहीं हिल पाएगा जब तक आप जवाब ना दे दें। पहला क्या है, उम्र का, जवानी का, फिर माल कहां से हासिल किया, कहां खर्च किया, जो तुम्हारे पास इल्म था उसके मुताबिक अपना अमल पेश करो। इन सब में सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल पता कौन सा, आखिरी सबसे मुश्किल, जो मालूमात अल्लाह की तरफ से तुम्हें मिल चुकी थी उसके मुताबिक अपना अमल पेश करो। इसलिए मेरे और आपके हवाले से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक एक आयत पढ़ते जाएं, एक एक हदीस पढ़ते जाएं, तो हमारी कल के मुकाबले में आज बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतरीन तनजली आ रही है तो सवाल में फंसते जा रहे हैं फिर आप। अगर जो जो इल्म बढ़ता जाए तो आपका अमल भी बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब इल्म और अमल में तरक्की हो रही है। और हमारा यहाँ सिस्टम उल्टा है ना कुछ, जो जो इल्म बढ़ता है तो हमारे पास सुस्ती आती है, वैसे अमल की रफ्तार कमजोर हो जाती है। तो इसका माना यह है कि आप उस 5वें सवाल की गिरफ्त में आ रहे हैं, और ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں, مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ نصیحت کے بعد, کیا لکھا ہے, ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ اَنَّ الْأَرْضَ, بے شک زمین, يَرِثُهَا, اس کے وارث بنیں گے, عبادی, میرے بندے, الصالحون, نیک۔ जमीन पर खिलाफत होगी, लेकिन खिलाफत तब होगी जब लोग मुसलमान और साले बन जाएंगे। हमारे यहां झंडे उठाए होते हैं खिलाफत को कायम करने के लिए, निजामे खिलाफत का कियाम तहरीक से नहीं होता, निजामे खिलाफत वोटों से नहीं आएगा,
निजाम खिलाफत कोई कस्बी चीज नहीं है, ये वहाबी चीज है। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, अपने अंदर सालिहियत को पैदा कर लें। मुआशरे के अफराद जब नेक बन जाएंगे, अल्लाह निजाम खिलाफत खुद अता फरमा देगा। ये वहाबी चीज है, हमारे यहां तहरीकें बन चुकी हैं जो निजाम खिलाफत के क्याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अजीब है, निजाम खिलाफत कायम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर शरीयत का निजाम मौजूद नहीं है, शरीयत के निजाम को नाफिज करने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। किताब व सुन्नत के उसूल और कवायद को आप अपना नहीं सकते और चले हैं निजाम खिलाफत को कायम करने के लिए। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल हम शराब से इलाज कर सकते हैं, तो आपने क्या फरमाया कि बीमारी कभी शिफा नहीं दे सकती, शराब खुद बीमारी है। तो हमारे यहां जो निजाम है ना वो बीमारी वाला है, बदबूदार है, उस निजाम से हम चाह रहे हैं इस्लाम, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहां जबूर और जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जबूर से मुराद किताब है, किसको मिली थी? दाऊद अलैहिस्सलाम को। तो उसमें अब जिक्र से क्या मुराद होगा कि हमने ये बात जिक्र के बाद जबूर में लिख दी है। हमने जिक्र से मुराद होगा लौहे महफूज, लौहे महफूज में हमने ये बात दर्ज कर दी है और उसके बाद फिर हमने जिक्र के बाद ये बात जबूर के अंदर भी दर्ज कर दी है। कुरान में आ गई ये बात, वहां से बात कुरान में आ गई। अच्छा, बाज मुफस्सिरीन ने यहां अर्ज से मुराद जन्नत ली है, सरजमीन है जन्नत सिर्फ मेरे वारिस बंदों की है, ली जा सकती है, लेकिन दोनों ही माने ठीक हैं। वो भी क्योंकि सूरह मोमिनों ने अल्लाह जिक्र किया है, अहले ईमान की सिफा जिक्र करने के बाद फरमाया यारी थुहा इबादिया सालिहून, इसके वारिस भी मेरे सालिहीन बंदे बनेंगे। तो यहां पर भी वही बात है। तो जमीन ये वाली है, निजाम इमाम महदी के बारे में जो आता है तो वो तारीख थोड़ी चलाएंगे, तारीख नहीं चलाएंगे, खुद ब खुद यह निजाम कायम होगा खुद ब खुद, और बिलाखिर रफ्ता रफ्ता बैद होती चली जाएगी और निजाम खिलाफत कायम हो जाएगा। हमारे यहां जो तारीखें चलती है ना वो तारीखों का जनाजा खुद ही निकल जाता है, वो गुब्बारे में हवा से ज्यादा नहीं होती वो तारीखें। कब से चल रही है निजामे, कब से चल रही है? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर को फतह करने से कब से चले हुए हम? कुछ हुआ? नहीं हुआ। वहां जाते थे या शहादत है या फतह है, और यहां शहीद भी हो रहे हैं, गाजी भी बन रहे हैं, फतह कुछ नहीं हो रहा। अरसा दराज से तारीख चल रही है निजामे हुकूम खिलाफत की, आ रहे हैं और जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। वजह यह कि बुनियाद से आगाद होगा बुनियाद, और वो बुनियाद जब तक उन उसूलों की रोशनी में नहीं तश्कील दी जाएगी जो शरीयत ने बताए हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये खिलाफत वो तो मेरे ख्याल में अभी भी नारे लगते हैं उसके। जिक्र से मुराद हो गया ना, जिक्र से मुराद हो गया लौहे महफूज, और बाद जिक्र उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया वो है तौर जबूर। जिक्र के बाद हमने फिर इसको जबूर में ये बात लिखी है, इन्न फी हादा लबलागन, बेशक ये पैगाम है, ये बड़ा पैगाम है, लिकौमिन आबिदीन, इबादत गुजार लोगों के लिए, बहुत बड़ा पैगाम है जी। डबल ताकीद है, बल्कि तीन ताकीदात है यहां पर। अब वो आपने बतानी तीन ताकीदात कौन सी है, तलाश करें और बताएं। एक है ला, दूसरा इन्ना, तीसरा
बताएं। नहीं पता चल रहा, खबर मुकद्दम है। फी हादा ये इन्ना की खबर है और ला बलागन इसम बाद में, और किसी चीज की तकदीम भी ताकीद को पैदा करती है। तो तीन ताकीदात हैं, इन्ना, खबर की तकदीम और लाम, जिसका माना है बेशक यकीनन ये पैगाम है बहुत बड़ा इबादत गुजार कौम के लिए। क्या पैगाम है जी, क्या पैगाम है? जन्नत हो या जमीन है, वारिस मेरे नेक बंदे ही बनाएंगे। जन्नत है या दुनिया की सरजमीन है, अल्लाह ने ये हवाले करना है उनके जो नेक होंगे। क्यों हवाले नहीं है? मुसलमान तो बहुत हैं। फातल शर्तु फातल मशरूत, जब शर्त नहीं होगी तो मशरूत भी नहीं होगा। शर्त सालियत है, इसका माना है कि हमारे अंदर सालियत नहीं है। अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा आज भी है, कल भी है, था, है और रहेगा। बस शर्त एक चीज पाई जानी चाहिए, और वो अल्लाह ने यहां पर सालिहियत की जिक्र की है, और दूसरी जगह फरमाया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गलबा तुम्हारा है, शर्त क्या कि तुम मोमिन बन जाओ। यानी दोनों आयतों को मिलाए तो इसका मतलब यह है कि ईमान और अमल हो। जब ये ईमान और अमल तुम्हारे पास है तो दुनिया है, हम जन्नत का भी वारिस तुम्हें बना देंगे। दुनिया तो दुनिया है, और जब जन्नत का कोई वारिस बन जाए इसकी बुनियाद पर, तो दुनिया की उसकी हैसियत क्या है इसके सामने? एक नेमत का जर्रा बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया। तो अल्लाह जब इतनी बड़ी जन्नत दे रहा है किसे, जिसके अंदर ईमान और अमल है, तो उसे दुनिया नहीं मिलेगी, ये कैसे हो सकता है? यानी ये निजाम यकीनन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए करना ये पड़ेगा दो चीजें जो जन्नत के हुसूल के लिए हैं, उसे आप इख्तियार कर लें। जब अफराद इस चीज को इख्तियार कर लेंगे, रब्बुल आलमीन का वादा है कि उन्हें यह चीज मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात, एक और बात भी, वो ये है कि आपने अपने अंदर सालिहियत को पैदा करने के लिए, निजामे हुकूमत को हुसूल के लिए कोशा होने की दावत नहीं दी गई आप। अल्लाह के रसूल ने कभी झंडा नहीं लगाया रियासत मदीना को कायम करने के लिए, ना आपने नारा लगाया है। आपने क्या किया, अफराद की इस्लाह की, खुद ब खुद रियासत कायम हो गई, खुद ब खुद कायम हो गई। उसके बाद फिर निकले हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फुतुहात का सिलसिला दिया। तो हमारे लिए उन्हीं उसूलों को अपनाना जरूरी है। जी कुछ पूछ रहे थे आप? जी हाँ, तो बिल्कुल ये माना भी हो सकता है। जिक्र उमूमी नसीहत को भी कहते हैं जी, ये जो जिक्र है ना, उमूमी नसीहत को भी कहते हैं, कुरान को भी कहते हैं, कुरान को भी कहते हैं। मैंने हमने हर जगह जिक्र के बाद यहां लिख दिया, यानी लोहे महफूज के बाद जबूर में लिख दिया, या जबूर के अंदर ही नसीहत करने के बाद फिर हमने ये बात भी जिक्र कर दी है। मफहूम में वसत है। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर जहान वालों के लिए। यहां पर भी देखिए नफी के बाद जो इस बात होता है ना, उसमें भी ताकीद होती है, मेरे नबी की आमत है ही रहमत और कुछ नहीं है। और ये रहमत इतना वसी मफहूम है कि यानी दो चीजें ऐसी हैं, एक तो आपका वजूद सरापा रहमत है, उसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम, ऐ पैगंबर जब तक आप बहसियत वजूद कौम के अंदर मौजूद हैं, कुछ भी हो जाए अल्लाह आसमान से आदाब नहीं भेजेगा जब तक आप मौजूद हैं। तो आपका वजूद सरापा रहमत बन गया। फिर आपकी तालीमात इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, छोटे के लिए, अमीर गरीब फकीर, इंसान जानवर हजर शजर, सबके लिए, सबके लिए। सीरत की किताबें पढ़ लें, आपको रहमत की बेतहाशा मिसालें मिलेंगी। आप वो नहीं, आप बाग के अंदर गए, ऊंट आ गया, रोने लगी आपके सामने आकर, गर्दन नीचे है, आंसू बह रहे हैं, तो नबी अल्लाह ने फरमाया बुलाओ इसके मालिक को।
और आपने फरमाया कि तुम इसके साथ ज्यादती करते हो, इसने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम उससे काम ज्यादा लेते हो और उसको खुराक कम देते हो, जितना काम लो उतनी इसकी खुराक भी खिलाओ उसको। तो जानवर भी जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम है। तो आपसे दूर होना, दूर रहना एक ऐसी चीज जिसके अंदर बजाहिर कोई हिस नहीं है, उसके अंदर भी था। आप खुतबा देते थे, मिंबर बना, आपने खुतबा तरक कर दिया, उस पर उसके साथ टेक लगाकर, साहबा फरमाते हैं रोने की ऐसी आवाजें सुनी जिस तरह एक बच्चा रोता है मां से बिछड़कर, आवाजें सुनी हमने। आप नीचे उतरे, सीने से लगाया उसको, थपकी दी तो उसकी सिसकियां खत्म हो गई। वो ऐसी चीज जिसके अंदर हिस बजाहिर नहीं है, लेकिन उससे पता है कि ये मोहम्मद सल्लम है। लेकिन मैं अगर आपकी तालीमात से, आपकी शख्सियत से प्यार करता हूं तो आपकी तालीमात से दूरी क्यों, किस बुनियाद पर? फिर अगर मैं कहता हूं कि मेरा तन मन धन आप पर कुर्बान है, शक्ल मेरी इस्लामी नहीं है, लिबास मेरा इस्लामी नहीं है, किरदार मेरा इस्लामी नहीं है, मेरा तहजीब और सकाफत इस्लामी नहीं है, और फिर शोर कर रहा हूं मैं कि ये और वो, ये तो उबई अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन वाली बात है। नबी इस्लाम से किसी ने कहा था बद्दुआ करें फलां शख्स के लिए, तो आपने इनिलम उबस लआनन इनम उबस्तु रहमा, मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे तो रहमत वाला बनाकर भेजा गया। अहले ताइफ ने जब आपको तकलीफ दी थी तो क्या कहा था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यरजून, अल्लाह हिदायत दे दे उसको, उसको शायद पता नहीं है। दो मकामात पर हैं, सूरह शुरा सूरह काफ में अल्लाह ने फरमाया पैगंबर आप रो रो कर इनके ईमान ना लाने की वजह से रो रो कर अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हैं आप, यानी जो सताती है कौम, जो आपको तकलीफ देती है, उनके ईमान की फिक्र में रो रहे हैं आप, इससे बढ़कर क्या मोहब्बत हो सकती है, क्या रहमत हो सकती है। कुल पैगंबर कह दीजिए इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून, यकीनन यूहा इलैया मेरी तरह वही की जाती है, और वो वही ये है अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद कि तुम्हारा इला सिर्फ एक इला है, एक इला है सिर्फ। फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम उसके हुक्म की पैरवी करने वाले हो, मुस्लिम बमना मोती, क्या तुम उसके फरमाबरदारी करने वाले हो। रहमत के बाद इस आयत का जिक्र यानी को ताल्लुक है, और वो ताल्लुक ये है कि यहां तौहीद का जिक्र है, यानी रहमत के हुसूल की बुनियाद तौहीद है, रहमत के हुसूल की बुनियाद तौहीद है। अगर आपके पास गैरत तौहीद नहीं है, आप जितने मर्दी अच्छे इंसान बन जाएं, अल्लाह की रहमत को हासिल कर ही नहीं सकते आप जी। इसलिए आपने भी तौहीद की दावत दी। अच्छा, दूसरी बात, रहमत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लम। रहमत की बुनियाद क्या है? तौहीद। तो रसूलुल्लाह सल्लम की यह भी रहमत है कि आपने रहमत के लिए तौहीद की दावत दी है। रहमत जन्नत है ना, अल्लाह की जन्नत, अल्लाह ने उसको अपनी रहमत कहा है, तो यह रहमतुल आलमीन, उस रहमत तक पहुंचाने के लिए अकीदा तौहीद समझा रहे हैं ताकि आप उस रहमत के हकदार बन सके। ये भी आपकी रहमत है कि आपने उन अकायद से रोका है जो अल्लाह की रहमत से महरूम कर देते हैं, और उन अकायद की दावत दी है जो अल्लाह की रहमत के हुसूल का जरिया है। फैन तवल्लौ, फिर अगर वो रू गिरदानी करते हैं, फिर अगर वो एराज करते हैं, फकुल पैगंबर आप कह दीजिए आदंतुकुम, मैं तुम्हें तंबीद करता हूं, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, आला सवा इन बराबरी की बुनियाद पर, बराबरी के बुनियाद, मतलब ये देखो मैंने तौहीद समझाई, मैंने बताया कि ये इख्तियार करोगे तो जन्नत में चले जाओगे, तुम इस तौहीद को इख्तियार नहीं कर रहे और शिरक पर डटे हुए हो, तो मामला ये है कि तुम अगर तौहीद के
दुश्मन हो तो मैं शिर्क का दुश्मन हूं, यह बराबरी, ये बराबरी है। तुम्हें अगर तौहीद से नफरत है तो मुझे शिर्क से नफरत है। सूरह काफिरून का मौजू यही है, लकुम दीनों को वलिया दीन, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, वला अना आबिदु मा आबदतुम, तुम इबादत नहीं कर रहे हो उसकी जिसकी मैं कर रहा हूं, तो मैं भी नहीं करता उसकी जिसकी तुम करते हो। जी ज़राते गिरामी, अकीदा तौहीद इख्तियार करने से आपका जो रिश्ता है दूसरे मुसलमान के साथ खूनी रिश्ते से ज्यादा मजबूत हो जाता है, बल्कि खूनी रिश्ते की हैसियत होती ही तब है जब उसमें इस्लामी रिश्ता कायम हो जाए, वगरना उसकी कोई हैसियत नहीं है। दो मिसालें आपके सामने रखता हूं इसकी। विरासत का उसूल है, विरासत का उसूल है कि अगर बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है तो वारिस नहीं बनेंगे, दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। हालांकि रिश्ता मौजूद है खूनी, विरासत होती खूनी रिश्तेदारों में, लेकिन उसके लिए भी इस्लाम जरूरी है। उसका मतलब है कि खूनी रिश्तेदारी को मजबूत किया है किसने? इस्लाम ने। इस्लाम है खूनी रिश्तेदारी है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, इस्लाम अगर नहीं है तो। दूसरी मिसाल, अहल कौन है और ना अहल कौन है। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने अहल को दाखिल कर लो, जब बेटी की बारी आई तो फरमाया नहीं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ये मेरा अहल है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ना अहल है ये, हालांकि बेटा है। तो अल्लाह ने बेटे को ना अहल करके उन्हें अहल कहा है जो इस्लामी रिश्ते में कायम जुड़ गए थे। जी बिल्कुल। तो अब ये दो ऐसी मजबूत मिसालें हैं जिसके बाद आप जान लें आपका किसी दूसरे मुसलमान के साथ जो ताल्लुक है बहैसियत मुसलमान खूनी रिश्ते से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, बल्कि रिश्ता तो कल क्यामत के दिन खत्म हो जाएगा। या फिर उल्मर उमिन अखी व उम्मी ही वाबी, एक दूसरे से भाग रहे होंगे लेकिन इस्लाम की बुनियाद पर जो ताल्लुक यहां था वो वहां भी कायम रहेगा। अल्लाह खिल्लाहु यौम इदिन बादुम लिबादिन अदुवन इल्लल मुत्तकीन, इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकीन दोस्त होंगे बाकी सब दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन ये जो हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इसे इस्लाम भी जानते हैं, किसे कहते हैं इस्लाम, वो इस्लाम उसकी इब्तदा होती अकीदा तौहीद से है, यानी जो मुवाहिद है ना वो आपका बाप भी हो सकता है वो आपका भाई भी हो सकता है, लेकिन जो मुवाहिद नहीं है वो आपका बाप होने के बावजूद भी, आपका भाई होने के बावजूद भी वो आपका भाई नहीं है, भाई नहीं है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हम दीनदारी रखने के बावजूद भी नफरत अपने अंदर रखे हुए हैं और अपने मुसलमान हकीकी सच्चे मुसलमान भाइयों के बारे होता क्या है, हमने इस कुव्वत को कैसे शिराजा बिखेर दिया, इसका अपने इतिहाद को कैसे तोड़ा है, जिसको गुस्सा होता है अलग तंजीम बनाकर बैठ जाता है। अहले तौहीद की बात कर रहा हूं, मेरा एक नाम होना चाहिए, मेरी एक पहचान होनी चाहिए, भाई दावत का काम है एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, जब एक सही मनज के साथ कायम काम हो रहा है तो जुड़ जाए उसके साथ, तोड़े ना पहले ही बहुत कम है, तो गुस्सा आया आपने अलग बना ली, आपने अलग बना ली ताकि मेरा एक नाम हो कि मैं भी काम कर रहा हूं। अगर शोहरत की बुनियाद पर अगर ये काम करते हैं, याद रखिए आपका ये काम अगर इस बुनियाद पर हो कि मेरा हो नाम, तो इंदल्ला इस नाम की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो अपने इत्तेहाद को, अपने इत्तेफाक को, अपने मनज को और अपनी कुव्वत को, अपनी अखुव्वत को, इसको मजबूत करना है, बिखरने के बजाय जोड़ने की कोशिश करनी है। जुड़े किसके साथ, जो सही मनज के साथ कायम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनके साथ आते जाएं और अपने अफराद को, अपनी कुव्वत को बढ़ाते जाएं। जो काम हम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं बल्कि हमने ही करना है, अहले तौहीद की जिम्मेदारी है काम करने की, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है इस वक्त वो इत्तेफाक है। और इत्तेफाक मनशज़ा शुज़ा हदीस है, जो तन्हा हुआ वो तन्हा कर दिया जाता है। अब जमात से हटकर नहीं, आप सिस्टम से हटकर निकलेंगे बाहर तो आप काम नहीं कर सकते, आपके लिए जरूरी है जो सिस्टम है उसके अंदर रहकर, और वो भी जो वाकईतन हकीकत में सही मनज पर काम हो रहा है तो उसके साथ बढ़े, आगे बढ़े, काम करें, तो इसी में बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इत्तेहाद में बरकत देता है,
इंतशार में बरकत नहीं है। एक साहबी ने आकर कहा था, अल्लाह के रसूल खाना खाते हैं पेट नहीं भरता, खाना खत्म हो जाता है। ये खाने की बात है, देखें खाने की बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम अलग अलग खाते हो? फरमाया हाँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिलकर खाओ तो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। ये खाने की बात है। दीन तो खाने से हजारों गुना अजीम है। तो जब ये खाने में ही मामला ये है तो फिर आप समझ लें दावत दीन के अंदर कितना जरूरी है आपका जमा होना। सैयद, लफ्ज सैयद ये तो हमारे यहां जिस तरह दूध में पानी मिलाया जाता है ना, जितना वाफर मकदार में दूध में पानी में मिलाया जाता है, इस तरह सैयद भी हमारे यहाँ हर पत्थर के नीचे सैयद निकलता है। शाह, ये शाह असल में शातुन है, शातुन बकरी। जी जी हमारे जो पाकिस्तान में सैयद है ना वो अपने आप को उर्दू में शाह कहते हैं और वो हकीकत में शातुन है। सैयद जो है ना, देखिए सैयद के लिए सबसे पहले मुवाहिद होना शर्त है, ठीक है। उस वरना अगर सिर्फ खूनी रिश्ते की बुनियाद पर अगर आप सैयद बन जाएं, अहले बैद बन जाएं, तो फिर आपसे ज्यादा करीब तो अबू तालिब है, आपसे ज्यादा करीब तो अबू जहल है, अबू लहब है। चार अंगूठियां पहनी और आप सैयद बन गए। शक्ल से देखें, वजाकता से देखें, बस ये क्या होता है कि आप हाथ कर रहे हैं और चूम रहे हैं और आपको सजदा हो रहा है और आप सैयद हैं। सुभानअल्लाह अली अज़बिल। जी अच्छा, अहले बैत के लिए लफ्ज सैयद किसी हदीस में नहीं है, किसी ना शाह का लफ्ज किसी हदीस में। जी हर सहाबी दूसरे सहाबी को एहतरामन, हमारे यहां हजरत कहा जाता है ना, हजरत लफ्ज ने सैयद लफ्ज कहना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला। जी व इन अदरी अकरीब अम बईद मा तुअदून, मुझे नहीं मालूम। व इन अदरी ऐ मा अदरी, मुझे नहीं मालूम। अकरीब अम बईद, क्या करीब है या दूर है। मा तुअदून, जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया। क्या वादा किया गया है? दो चीजें हो सकती हैं, या अदाब का कि तुमने अगर किनारा कशी की उस दावत की, अगर आपने एराज किया उस दावत से, तो वो वादा जो अल्लाह ने अपने बागियों के बारे में कर रखा है वो करीब है या दूर मैं नहीं जानता। या फिर यहां कयामत है कि कयामत जजा और सजा, खैर और शर का नतीजा जो जाहिर करेगी वो कयामत है, वो करीब है या दूर मैं नहीं जानता। तीसरा माना बाज ने किया, गलबा इस्लाम भी मुराद हो सकता है। तुम्हारे साथ ये जो वादा किया ना, हुवल लजी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुदहिरहु अला दीन कुल्ली, इस्लाम का गलबा, मुसलमानों का गलबा। तो तीन माने हो गए। अदाब, अगर तुमने एराज किया वो करीब है या दूर मैं नहीं जानता, कयामत या फिर गलबा इस्लाम। नेक बंदा सैयद हो सकता है? जी, जो नेक है वो हमारा सैयद है, सरदार। सैयद से मुराद अगर अहले बैत है तो अहले बैत वो होता है जिसमें दो शर्तें पाई जाएं, नबी इस्लाम के खानदान से वो जुड़ता हो और फिर वो पक्का मुवाहिद हो, पक्का सच्चा खरा सुच्चा। इन्नहु यालमुल जहरा मिनल कौली व यालमु मा तक्तुमून, बेशक वो जानता है जहर को कौल में से, यानी वो बातें जो ऐलानिया की जाती हैं उसको भी वो जानता है। वयालम मा तक्तुमून, वो जानता है वो जो तुम छुपाते हो, जो बातें तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता है, वो बातें जो तुम छुपाते हो उसे भी वो जानता है। बल्कि अल्लाह की तो एक सिफत जिक्र हुई है, अलीमुम बिदाति सुदूर, सीने में जो तुम छुपा रहे हो अल्लाह तो उसको भी जानता है। वइन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम वबताउनी लाइन, और नहीं मैं जानता
इन यहां नाफिया के माना में, मैं नहीं जानता, लाल्लाहु शायद के वो फितना तुल्लकुम आजमाइश हो तुम्हारे लिए, व मताउन इलाहीन और एक मोहलत हो एक वक्त तक के लिए। जी इसके बारे में बताता हूं कि यहां अगर बात है कि क्यामत नहीं आ रही ना अभी या अजाब नहीं आ रहा, तो यहां दो मकसद हो सकते हैं, या तो तुम्हारी आजमाइश हो रही है कि तुम पलटते हो या उसी पर कायम दायम रहते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आजमाइश तुम्हें दी है कि अल्लाह ने इस वक्त को लेट कर दिया है, या तो ये आजमाइश है या अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, जैसे कुरान में है ना, अल्लाह फरमाता है कि हम अजाब इसलिए नहीं नाजिल करते ताकि हम इनको मोहलत दे रहे हैं, एक वक्त तक अपनी हुदूद में पहुंच जाए फिर हम इसको पकड़ेंगे। नबत शा रबी का लशदीद वला नोदी करना हम मीना लादा बिल अदना दून लादा बिल अकबर लाल लम अर्जुन। ये आजमाइशें आती इसलिए हैं ताकि अल्लाह आपको झंझोड़ दे, और ये अल्लाह की मोहब्बत है ताकि कल क्यामत के दिन अल्लाह आपको बड़े अजाब से बचा ले। तो ये जो अजाब में ताखीर है, दो वजह हो सकते हैं, या आजमाइश है तुम्हारे लिए या ये मोहलत है अल्लाह की तरफ से। काला, उस नबी ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, उहकुम उहकुम। हाँ जब अलग मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा, रब्बी हुकुम मिलाकर पढ़ेंगे, हमजा वसली है ना, गिर जाता है। यहकुमु क्या बाब आता है, हकामा यहकुमु, तो आपने पढ़ा है ना हमजा मजमूम कहाँ आता है, हमजा वसली मजमूम कहाँ आता है, क्या कायदा है, जब मुजारे मजमूमुल आयन हो, जब मुजारे मजमूमुल आयन हो तो वहां हमजा वसली मजमूम आएगा, जैसे उनसुर नासारा यंसुरु, इदरिब इफ्ता, जब मुजारे का ऐन कलमा मफतू या मकसूर हो तो हमजा वसली आप मकसूर लाएंगे, इफ्ताह फता यफ्ता उसे, दारा भाई अदरिब उसे इदरिब, लेकिन जब मुजारे का ऐन कलमा मजमूम हो तो हमजा वसली मजमूम आएगा, उनसुर उहकुम। सरफी कायदा ही है, और हमजा वसली को गिराया जाता है जब मिलाकर पढ़ेंगे। तो कहा उस नबी ने, ए मेरे रब फैसला कर तू हक के साथ, वरब्बुना और हमारा रब, अर्रहमानु रहमान है, अल मुस्तानु जिससे मदद तलब की जाती है, अला मा तसिफून उस पर जो तुम बयान कर रहे हो, जो खुराफात तुम बयान कर रहे हो, अल्लाह की औलाद है, अल्लाह अजाब क्यों नहीं देता, अल्लाह के अहकामात का इनकार कर रहे हो, हम इसके खिलाफ अल्लाह ही से मदद तलब कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है किसी को अजाब देना, हमारे बस में नहीं है किसी को किसी से इंतकाम लेना, बस हर मसले में मुस्तान हमारा रहमान है, मुस्तान रहमान है। तो जिंदगी का उसूल भी यही बनाना है हमने, जब भी मसला है तो जहन में रखें मुस्तान कौन है, रहमान। इसलिए हदीस में आता है, तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए ना तो अल्लाह से सवाल करो। बड़ी आजमाइशें तो दूर की बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक इतना कमजोर है, फंसने के बाद अल्लाह याद आता है, हालांकि होना यह चाहिए कि फंसने से पहले ही अल्लाह याद आए, लेकिन जब हम फंस जाए तो अल्लाह को यह पता हो मेरा ये बंदा फंस गया है। हदीस में आता है ना, तारफ फिर रखाई यारिफ का फिशिद्दा, खुशहाली में अल्लाह को याद करो तो जब तुम मुसीबत में होगे अल्लाह तुम्हें याद करेगा। डॉक्टर जब कहता है कि अब ले जाओ घर में, अब चंद दिन है इसके, तो फिर आपको याद आ जाता है मौलवी साहब, फिर वो मस्जिद में भी आ रहे होते हैं, बकरे भी आ रहे होते हैं, मुर्गे भी आ रहे होते हैं, देगे भी उतर रही होती हैं, सदका खैरात टोपी तस्बी दाढ़ी सब कुछ, क्यों कि मौलवी ने कह, डॉक्टर साहब ने कह दिया 3 दिन है, अब बस यही उम्मीद है सारी। तो इससे बेहतर तो मुशरिकीन है, अच्छा फर्क क्या, वो भी तो यही करते थे, समंदर में आकर फंस गया तो अब यहां सिर्फ अल्लाह ही निकालेगा, तो वो पुकारते थे तुमने तो वही काम किया है।
ये काम पहले करना चाहिए था। सूरह हज जवाब देने थे, सूरह हज शुरू कर लेते हैं। हज नहीं करना आप लोगों ने? हाँ इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं इसको कि इसे पढ़ रहे हैं अल्लाह हमें हाजी बना दे। वैसे हाजी हम में से हर शख्स है, हाजी का मना इरादा करने वाला। जी जी तो आप हाजी हैं, लेकिन जब हज हो जाए तो ये शिनाख्ती कार्ड पे नहीं लिखवाना आप में से किसी ने हाजी मोहम्मद रमदान। जी एक किया है अभी तो इंशाल्लाह करने हैं अभी इंशाल्लाह, इसलिए पढ़ेंगे अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और करा दे इंशाल्लाह। अल मुस्तान, अर रहमान मुब्तदा होगा, अल मुस्तान उसकी खबर बन सकती है। रब्बुना मुब्तदा है, अर रहमान ये खबर है, ठीक है। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर फिर ये मुब्तदा है और अल मुस्तान फिर खबर है, और अला मा तसिफून ये मुस्तान का के मुतालिक हो जाएगा, डबल जुमला ये रब्बुन रहमान ये जुमला है, फिर रब्बुन रहमान अल मुस्तान अला मा तसिफून ये दूसरा जुमला होगी। इस्लामी कार्टून वीडियो बना सकते हैं, उस कार्टून में अपने आप को पेश करें तो फिर बना सकते हैं, अगर बनाने वाला खुद कार्टून बन जाए तो बना सकते हैं। कहां से जायज हो गया? मौके पर बोलना नहीं है, रब्बुन अल रहमान अल मुस्तान बोलना नहीं है, इस पर अमल करना है। यानी हर मौके पर आपकी मदद की, आपकी उम्मीदों की जो मरकजियत है वो अल्लाह की जात होनी चाहिए। बस जहां भी आपको मदद चाहिए, मदद चाहिए तो आपके दिलो दिमाग में अगर किसी जात का तसव्वुर आए तो सिर्फ अल्लाह का, मदद वही कर सकता, छोटा मामला या बड़ा मामला। सूरह हज के मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ का हल इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह ने यह पेश किया है, इसका कुछ हिस्सा मक्की है और कुछ मदनी, खत्म बात। पूरे कुरान में यह वाहिद सूरत है जिसका एक खासा है, वो बताइए क्या है? इसमें कितने सजदे हैं? दो सजदे। लेकिन अफसोस का मकाम है, किसी भी कुरान को उठा लें वहां लिखा हुआ होता है ये दूसरा सजदा शाफी के नजदीक है, अलियाज बिल्ला, शाफी के नजदीक। मतलब ये कि हदीस में आया है, और जो चीज हदीस में आई मतलब शवाफे के यहाँ है, वो है हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक है, चूंकि इमाम हनीफा के नजदीक एक है। अफसोस का मकाम है ये। सूरह बनी इसराइल रह गई थी, ये किसी और ने भी मुझे कहा है सूरह बनी इसराइल रह गई थी, तो अब तो हम एक एक वे में जा रहे हैं तो जाने देना हमें। और ये तो हज है, ठीक है, वहां बनी इसराइल है, यहाँ हज है, तो आप बताएं बनी इसराइल की तरफ जाना है या हज की तरफ जाना है? तो हज को करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारी क्लासें कितनी रह गई हैं? 6 या 7 है, तो इंशाल्लाह है 4 है, तो 4 में इंशाल्लाह हम कमाल करते हैं ये कि सूरह हज में कमल करवाते हैं आपको इंशाल्लाह। दौरे होते हैं ना दौरे, तो इंशाल्लाह यूं समझे कि हमारा अगली क्लास से दौरा हो रहा है 4 दिन का, ठीक है, तो आप सब ने इस दौरे में शरीक होना है इंशाल्लाह। जी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं ले सकता ना, एक्स्ट्रा क्लास नहीं है।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہے شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر, یہ حقیقت ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر یا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, یہ دو صورتیں جن کی ابتدا دھمکی آمیز ہے, یعنی تنبیہ والی ہے, خبر نہ خبر دار کیا اللہ تعالیٰ نے, لوگوں کا حساب قریب ہے اور یہ غفلت میں ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے, لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ, قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, کلا اذا دکت الارض دکا دکا. بالکل, وہ زلزلہ, وہ قیامت کے اثرات, وہ قیامت کی ہولناکیاں, اس کا اثر کس قدر گہرا ہوگا, اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. یوم ترونہا, جس دن تم دیکھو گے اسے, تذہل, بھول جائے گی, کل مرضعۃ, ہر دودھ پلانے والی, اما اس کو, ارضعت, جسے وہ دودھ پلاتی تھی, یعنی ماں اپنے بیٹے کو. یعنی اللہ نے اس موقع پر ہولناکی کو بیان کرتے وقت اس رشتے کا ذکر کیا جو سب سے زیادہ مضبوط ہے. کچھ بھی ہو جائے, ماں اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی. وہ کیا عالم ہوگا کہ وہ ماں جو اپنے بچے پر جان قربان کرتی ہے, آج وہ بچے کو ہی بھول جائے گی. اللہ اکبر. وَتَضَعُ, اور گرا دے گی, کل ذات حمل, ہر حاملہ عورت, حملہ, اپنے حمل کو, ایک ایسی خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی کہ وہ بچہ ساکت ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش, نشے میں. نشے میں کیا ہوتا ہے, کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی, وہ جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, یعنی کیفیت اس طرح ہوگی جس طرح وہ انسان مدہوش ہو چکا ہے. وما ہم بسکارا, لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا, کوئی نشہ ور چیز استعمال نہیں کی. آج اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی کیفیت کے اندر مبتلا کیسے ہو گیا ہے. ولکن عذاب اللہ شدید, لوگو یاد رکھو, یہ معاملہ ہوگا اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے. اللہ اکبر. جی, شدید. یہاں پر جو ہے دو مقامات مراد ہیں, یعنی یہ جو کیفیت بیان ہوئی نا, ماں بچے کو بھول جائے گی, گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا, بچے گر جائیں گے اور بھول جائیں گے, سارے مدہوش ہوں گے, کسی کو اپنی خبر تک نہ ہوگی, یہ موقع کون سا ہے. اس کے دو مقامات ذکر کیے گئے ہیں. نمبر ایک, سور پھونکنے کا مقام, یعنی قیامت کے پہلے, اور دوسرا ہے قیامت کے بعد. قیامت کے بعد کا مطلب جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, وہ مقام جب سور پھونکا جائے گا دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. اس سور کے پھونکنے کے وقت جو کیفیت ہوگی یہ ہوگی, کیونکہ سب ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا, جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے, تو یہ دو مقام ہیں. تو دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں یہاں پر, یہی بات ہے کہ دونوں ہی مراد صحیح ہیں. ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے گا کہ اپنی ذریت میں سے 999 کو جہنم میں بھیجنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے.
999 जहन्नम में जाएंगे तुम्हारी जुर्रियत में से, और हुक्म यह दिया जाएगा जब यह हुक्म मिलेगा हर हजार में 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। इस हुक्म के मिलते ही यह कैफियत हो जाएगी लोगों की, मां बच्चे को भूल जाएगी, हामिला के हमल गिर जाएंगे और लोग होश व हवास खो देंगे। साहबा इकराम ने जब यह बात सुनी तो परेशान हो गया, अल्लाह के रसूल हमारा क्या बनेगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे साहबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 999 जो जहन्नम में जाएंगे ये याजूज माजूज में से होंगे। कितनी आबादी होगी उनकी, किसने छुपा रखा है इतनी बड़ी तादाद को? याजूज माजूज के साथ फिर दज्जाल, अल्लाह ताला ने। अब कहते हैं कि सुई भी कहीं गिरी हो नजर आ जाएगी, लेकिन जिसे अल्लाह छुपाए उसे कोई जाहिर नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार दुनिया की हर चीज जाहिर हो चुकी है, लिहाजा अब इस ये जो जापानी है ये चाइनीज है ये याजूज माजूज है, दीवारे चीन और दज्जाल को ये, मैं अब नाम लूं तो फिर तकलीफ होगी आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो दज्जाल को भी दूसरा नाम देते हैं कि हकीकत में कोई शख्सियत नहीं है, सिस्टम सिस्टम। फिर आपने फरमाया कि मेरे साहबा, मेरी उम्मत के जन्नत में जाने के हवाले से खुशखबरी यह है कि तुम्हारा पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसका 1/3 या निस्फ हिस्सा तुम्हारा जन्नत में जाएगा, निस्फ हिस्सा, यानी उनके मुकाबले में, सबका उम्मत के मुकाबले में जन्नत में जाने वाले अफराद तुम्हारे आधे होंगे उसके मुकाबले में, आधे। जी हाँ, जन्नत में जितने आधे टोटल लोग जितने हैं ना, आधा हिस्सा मेरी उम्मत का होगा और बाकी आधा पूरी उम्मत है, नबी अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। उसका मतलब हमारी कसरत कितनी होगी। जी जाहिर है जो मुस्तजाबा है, जिसने दावत कबूल कर ली है वही जन्नत में जाएंगे। जी, जब अल्लाह के रसूल सही बुखारी की हदीस है, जब ये बात बताई ना तो सहाबा किराम खुश हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि हदीस के अल्फाज है अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि हम निस्फ हिस्सा जन्नत में होंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क्या है जी? जी क्या कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी, आपके क्या सवाल आते हैं?